अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ कोर्स। आज हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं और उनकी इम्पेयरमेंट कैसे होती है। नाउ अगर मैं किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात करता हूं, कोई भी मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एज गुड एज अ लीगल डॉक्यूमेंट, एक बिल्कुल एक डीड की तरह या किसी एक फ्लो की तरह वो काम करता है। और उसके अंदर हमारे चार कॉम्पोनेंट्स आते हैं। वन इज रिकॉग्निशन, सेकेंड इज इनिशियल मेजरमेंट, थर्ड इज सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एंड फोर्थ इज डिस्क्लोजर्स। मैं जब भी इन चार कॉम्पोनेंट्स की बात करता हूं तो मुझे यह ध्यान रखना पड़ता है कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, इस AS 28 के अंदर हम लोग इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स की बात करते हैं। एसेट्स की डेफिनेशन हमारे फ्रेमवर्क में कवर हो जाती है और इंपेयरमेंट की बात हमारे उस AS 28 के अंदर कवर होती है। इंपेयरमेंट क्या है, वो किस वजह से होती है और अगर वो इंपेयरमेंट हो जाती है तो हमें अपनी बुक्स के अंदर किस तरह से इंपैक्ट लेके आना है, वो हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब मैं इन चार एस्पेक्ट्स की बात करता हूं, ये वो चार स्टेप्स है मेरे उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर जो मुझे फॉलो करने चाहिए समझने के लिए कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या और वो क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है, राइट? जब मैं रिकॉग्निशन की बात करता हूं, वो मुझे कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताता है, प्लस स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में बताता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे मुझे यह पता चल जाता है कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके स्कोप के अंदर क्या क्या आइटम आती हैं या क्या क्या आइटम ऐसी हैं जो कि नहीं आती हैं, राइट? और कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करता है कि इंपेयरमेंट क्या है, क्या उसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं और इस तरह की बातें। इनिशियल मेजरमेंट के अंदर हम बात करते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट हमें लेनी है तो सबसे पहले वो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज की जाएंगी। अगर आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने जब फिक्स एसेट्स की बात की थी वहां पे दो मॉडल चलते हैं, एक कॉस्ट मॉडल, सेकेंड इज रिवैल्यूएशन मॉडल। लेकिन कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल कब एग्जिस्ट करता है, वो हमारा इनिशियल मेजरमेंट पे एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट की बात की जाती है। और रिवैल्यूएशन मॉडल या कॉस्ट मॉडल की चॉइस हमें कब मिलती है, एट द टाइम ऑफ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इसका यह मतलब हुआ कि पहली बात मैं ये रिकॉग्नाइज करूंगा क्या वो आइटम एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए फिट करती है, वो मेरे रिकॉग्निशन के अंदर आ जाएगी, सब्जेक्ट टू दोज डेफिनेशंस, दोज स्कोप, दोज एक्सेप्शंस इफ दे डू नॉट अप्लाई। उसके बाद मैं उसे किस वैल्यू पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉग्नाइज करूंगा, क्या वो एक बैलेंस शीट की आइटम है या वो मेरे P&L की आइटम है या वो सिर्फ डिस्क्लोजर्स के अंदर जाने वाली है, राइट? उसके बाद मैं उसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात करता हूं कि आज मैंने उसको अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लिया है, आज मैंने फॉर एग्जांपल एक कार या एक मशीन को कॉस्ट में रिकॉग्नाइज कर लिया है, आगे के लिए मैं उसे किस वैल्यू पे मेजर करने वाला हूं, क्या वो कॉस्ट पे रहेगी या वो रिवैल्यूएशन पे रहेगी। अगर मैं इन्वेंटरी की बात करूं फॉर एग्जाम्पल, विच इज नॉट कवर्ड थ्रू अदर एसेट्स, जहां पर वो AS2 के थ्रू कवर होती है, वहां पर मैं इनिशियली मैं उसे मेजर कॉस्ट पे करता हूं और सब्सिक्वेंट मेजर में करता हूं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू, ठीक है? एंड फाइनली एज अ फोर्थ स्टेप इट गोज इनटू डिस्क्लोजर कि मैंने अपने नोट्स के अंदर उस आइटम के बारे में क्या क्या डिस्क्लोज करना है। अगर आपको ध्यान हो, हमने जो फिक्स एसेट्स की क्लास की थी वहां पर डिस्क्लोजर्स के अंदर हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट आती है कि उस एसेट की कॉस्ट क्या है, उस एसेट के लिए हमने कोई रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई किया था या नहीं किया था, उससे रिलेटेड कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व्स तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एंड ऑल अदर इंफॉर्मेशन, वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, इस तरह की चीजें हम लोग उस डिस्क्लोजर के अंदर लेकर के जाते हैं। नाउ किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सबसे बड़ा परेशानी का एरिया क्या है, थोड़ा सा वो टेक्निकल हो जाता है हमारे लिए। इसका मतलब उन्होंने एक डेफिनेशन दे दी, अब अगर मुझे डेफिनेशन ही समझ नहीं आ रही तो मैं उसको अप्लाई कैसे करने वाला हूं, राइट? सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बैकग्राउंड में जाकर के समझने की कोशिश करेंगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहना क्या चाहता है। उसके बाद अगर जरूरत हमें महसूस होती है तो हम उसकी
टेक्निकल लैंग्वेज को समझने की कोशिश भी करेंगे कि क्या हमने जो समझा है, क्या जो उसका बैकग्राउंड है, उस डेफिनेशन के थ्रू वो मीट होता भी है कि नहीं होता, राइट? हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स के बारे में कि इंपेयरमेंट होती क्या है, राइट? लेट्स से मेरा एक बिजनेस है, मेरी एक कंपनी है, से ए लिमिटेड और एक्स वाई लिमिटेड, और मैंने आज एक कार बाय कर ली 5 लाख रुपए की, ठीक है जी? इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए मेरे बुक्स के अंदर? अगर मैंने इसको कैश पे बाय किया या बैंक के हिसाब से बाय किया है, डेबिट एसेट दैट इज कार क्रेडिट कैश ऑन बैंक विच इज 500,000. इसका इमीडिएट इंपैक्ट क्या आने वाला है मेरी बुक्स के अंदर कि जब मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा ये मुझे कार दिखाई देगी 5 लाख रुपए के हिसाब से. नॉट टेल मी वन थिंग, अगर मेरे पास ये कार है जो इसको मैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, उसकी वैल्यू क्या है? 5 लाख रुपए. इस वैल्यू को मैं कुछ भी नाम नहीं देता, मैं इसको बोलता हूं कैरिंग अमाउंट. वो अमाउंट जो मेरी बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर रिपोर्टिंग डेट पे उस वैल्यू को कैरी कर रही है, उस कार की वैल्यू या कैरिंग अमाउंट क्या रहेगा मेरे किसी भी रिपोर्टिंग डेट पे? 5 लाख द मोमेंट आई बॉट दिस कार. जब मैंने इस कार को पर्टिकुलरली खरीदा तो मेरे बुक्स में उसकी कैरिंग वैल्यू क्या है? 5 लाख रुपए, ठीक है? ऑलराइट, तो व्हेन आई से कैरिंग अमाउंट, जब मैं इस कैरिंग अमाउंट की बात कर रहा हूं और ये एक मेरा एक एसेट है, और हमने एसेट की डेफिनेशन के अंदर एक और बात की थी फ्यूचर बेनिफिट्स के बारे में कि कोई भी एसेट होगा दैट इज एक्सपेक्टेड टू गिव मी सम फ्यूचर बेनिफिट्स, वो आगे मुझे भविष्य के अंदर कुछ ना कुछ फायदा देगा. इस कार के रिगार्डिंग में अगर बात करूं जिसकी कैरिंग अमाउंट 5 लाख रुपए है, इससे मुझे कितना मिनिमम बेनिफिट मिलना चाहिए कम से कम अगर मैंने 5 लाख की कार खरीदी है? ओके, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसको मुझे कम से कम 5 लाख रुपए का बेनिफिट तो देना चाहिए फ्यूचर में, नहीं तो उस कार को खरीदने का फायदा क्या हुआ, राइट? सो दिस इज व्हाट आई से कि मुझे इससे कम से कम उतना बेनिफिट तो मिलना चाहिए जितनी इसकी कैरिंग वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर बैलेंस शीट डेट पर है. ओके विद दैट, लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ कि इसकी कैरिंग वैल्यू ज्यादा है अगेंस्ट दोज फ्यूचर बेनिफिट्स, तो मेरे लिए थोड़ी सी परेशानी की बात है. क्यों? क्योंकि एक बार को तो मैं अपने शेयर होल्डर्स को बोलता हूं कि मेरे पास जो कार है वो 5 लाख की है, राइट? और इसके ऊपर मैं आगे डेप्रिसिएशन भी चार्ज करता रहूंगा. ऑफकोर्स जो AS6 का मेरा प्रिंसिपल है वो कहता है कि आपके पास एक एसेट है उसकी एक लाइफ है, तो उसके बेस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, राइट? और डिप्रिसिएशन में किस बेस पे चार्ज करूंगा? ओवर द यूजफुल लाइफ. और यहां पे वो कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है हमारा? मैचिंग का कॉन्सेप्ट चलता है, राइट? कि जब जब मुझे बेनिफिट होता रहेगा तब तब मैं उसके बेस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करता रहूंगा, तो उस बेनिफिट के अगेंस्ट मेरा एक कॉरेस्पॉन्डिंग खर्चा मेरी बुक्स में आता रहेगा, राइट? लेकिन अगर मुझे ये कार 5 लाख का बेनिफिट देती ही नहीं है, तो अपने शेयर होल्डर्स को क्या बोल रहा हूं कि बॉस मेरे पास एसेट तो 5 लाख के हैं लेकिन 5 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा. Isn't it happening like this कि मैं इस कार को 5 लाख रुपए दिखा करके अपनी बैलेंस शीट के या अपनी कंपनी के वर्थ को थोड़ा सा ओवरस्टेट कर रहा हूं, मैं अपने एसेट्स को थोड़ा ज्यादा दिखा रहा हूं अगेंस्ट द वैल्यू विच दे आर गोइंग टू बी द बेनिफिट ऑफ, राइट? तो वही मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर मेरी कैरिंग वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज मोर देन द फ्यूचर बेनिफिट, अगर मैं मान के चलता हूं यह कार मुझे सिर्फ आगे जाके 4 लाख का बेनिफिट देगी और इसकी वैल्यू जो है वो 5 लाख है, इसका मतलब एक इंपेयरमेंट एग्जिस्ट करती है और मुझे उसके बारे में कुछ करना है, राइट? तो आप अगर इंपेयरमेंट का मतलब समझने की कोशिश करें तो वो कुछ भी नहीं है, वो ये कहता है इफ द कैरिंग वैल्यू इज मोर देन द फ्यूचर बेनिफिट्स. नाउ व्हाट आर द फ्यूचर बेनिफिट्स, अभी हम थोड़ी देर में इसके बारे में भी बात करेंगे, राइट? तो लॉजिक इसका यही है कि अगर मैंने 5 लाख पे कार खरीदी है और उसकी कैरिंग वैल्यू ऑफकोर्स मेरे बुक्स में 5 लाख की है, किसी भी और एसेट की वैल्यू कैरिंग वैल्यू अगर उसकी बेनिफिट से ज्यादा है जो मुझे मिलने वाले हैं, देयर इज गोइंग टू बी एन इंपेयरमेंट. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि इंपेयरमेंट
है क्या और वो किस वजह से होती है। मैंने ये कहा कि मेरे पास एक कार है जो मैंने अभी अभी शोरूम से 5 लाख रुपए में खरीदी है, राइट। जैसे ही मैं इसे शोरूम से बाहर लेकर आता हूं, हुआ क्या कि एक सामने से एक ट्रक आ रहा था और उसने इस कार को ठोक दिया, एक्सीडेंट हो गया, राइट। नाउ यू टेल मी वन थिंग, मैंने जब इस कार को अपनी बुक्स में दिखाना चाहा था तो 5 लाख की थी, जैसे ही मैंने वो चेक दिया मैंने नेचुरली अकाउंटिंग कर दी होगी अपनी बुक्स के अंदर, राइट। लेकिन जब इस ट्रक से उस कार का एक्सीडेंट हो गया, द कार हैज बीन डैमेज, राइट। स्पेशली अगर वो नैनो कार होगी तो क्या होगा, खत्म, टोटली खत्म, राइट। तो डू आई से दैट कि अगेंस्ट दिस कैरिंग वैल्यू आई एम सीकिंग एन इक्वल और मे बी मोर देन द बेनिफिट्स ऑफ 5 लाख रुपीज। इस कैरिंग वैल्यू के अगेंस्ट क्या मेरे बेनिफिट्स 5 लाख के उससे ऊपर होने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह भी हो सकता है वो कार टोटली डैमेज हो गई और वो किसी भी काम की नहीं रही, फिर कौन काम आएगा हमारे, एक कबाड़ी काम आने वाला है, और वो क्या इस कार के 5 लाख रुपए देगा? टोल के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं देगा। वो क्या देगा? मैक्सिमम 10,000 रुपए या 20,000 रुपए या कुछ ऐसा कुछ अमाउंट हमें दे देगा, राइट। और अगर लेकिन मैं इस कार को अगर 5 लाख में अपनी बुक्स के अंदर दिखाऊं तो मैं यही तो अपने शेयर होल्डर्स को बताना चाह रहा हूं कि मेरे पास एक कार 5 लाख की है, इसके बेनिफिट 5 लाख के आने वाले हैं, कल को कंपनी बंद हो ही जाती है तो मैं इस कार को 5 लाख की बेच दूंगा। ऐसा तो नहीं होने वाला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो मैं क्या कहता हूं, मैं अपने कंजर्वेटिज्म के कॉन्सेप्ट को याद करता हूं। तो मैं क्या करूंगा, अपनी इस कैरिंग वैल्यू को उस फ्यूचर बेनिफिट के बराबर लेकर के आ जाऊंगा, राइट। माय स्टैंडर्ड सेज कि इफ देयर आर एक्सपेक्टेड लॉसेस, जो कि मेरा कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वैलिडेट भी करता है, उसको मैं आज ही प्रोवाइड करूंगा, राइट। एंड दिस इज वेयर इज द बेसिस ऑफ दिस इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स कुछ भी नहीं है लेकिन एक कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता है। नाउ अब छोटी सी बात करते हैं, हम लोगों ने एक एग्जांपल तो समझ लिया कि एक फिजिकल डैमेज जो है वो एक इंपेयरमेंट के अंदर रिजल्ट कर सकता है, और भी एग्जांपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस, ये क्या होता है? आपको ध्यान होगा बहुत साल पहले एक चीज एग्जिस्ट करती थी ऑर्कुट के नाम से, राइट। मेरी तो प्रोफाइल ऑर्कुट पे थी पहले कभी, लेकिन आज नहीं है। कहां पर है? फेसबुक पे, राइट। क्यों है? क्योंकि मुझे फेसबुक ज्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा सा लाइव है, इंटरैक्टिव है, थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर है ऑफकोर्स, राइट। लेकिन जस्ट थिंक ऑफ द कंपनी, गूगल नाम की एक कंपनी थी जिसने ऑर्कुट बनाया था, ऑर्कुट उसके लिए एक एसेट था क्योंकि वहां से उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते थे, राइट। लेकिन जब फेसबुक आ गया तो इससे जो भी बेनिफिट्स मिलने थे वो तो लिटरली बंद हो गए। जब यूजर ही नहीं होंगे तो बेनिफिट कहां से होंगे, राइट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ऑर्कुट के अंदर इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था अपना, फेसबुक वालों ने, गूगल वालों ने, गूगल वालों ने जो इन्वेस्टमेंट किया था ऑर्कुट के ऊपर, उसके अगेंस्ट बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस। फेसबुक के अंदर फीचर इतने ज्यादा है कि बाय डिफॉल्ट ऑर्कुट बिकम अ फेलियर, खत्म हो गया बिल्कुल, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस अगेन विच इज रिजल्टिंग इन टू एन इंपेयरमेंट। और भी कारण हो सकते हैं ऑफकोर्स, अभी और उन कारणों के बारे में और बात करेंगे, लेकिन मैं शायद थोड़ा सा ध्यान देना चाहूंगा इस टाइम पर उन फ्यूचर बेनिफिट्स के बारे में। अब मेरे पास एक एसेट है, फॉर एग्जाम्पल वो कार जो 5 लाख की थी, राइट। उस कार की अगेंस्ट मुझे फ्यूचर बेनिफिट्स किस तरह से मिल सकते हैं? या तो मैं उसे बिजनेस के लिए इस्तेमाल करूंगा, हो सकता है मैं एक कोरियर कंपनी हूं और उसको मैं उठा करके अपने पार्सल्स को कोरियर कराने के लिए या कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करता हूं, या फिर मैक्सिमम ये हो सकता है
कि मैं उस पर्टिकुलर कार को सेल ऑफ कर देता हूं किसी भी पॉइंट इन टाइम पे, राइट। तो दो तरीके से मेरे पास उसका बेनिफिट आ सकता है, या तो बिजनेस यूज से या सेल से, राइट। अब बिजनेस यूज की मैं बात करूं तो एक कार के बारे में या किसी एसेट के बारे में बात करूं तो इट हैज मोर देन 1 ईयर ऑफ यूज, राइट। तो वो बेनिफिट्स मुझे ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट आते रहेंगे। अगर मैं इस कार की ही बात करता हूं और मैं कहता हूं कि कार की जो यूजफुल लाइफ है वो 10 साल की है, तो ये बेनिफिट मुझे अगले 10 साल तक आते रहेंगे। लेट्स से कि जो मुझे बेनिफिट्स आ रहे हैं, 1 लाख इन द फर्स्ट ईयर, 1 लाख इन द सेकेंड ईयर, 1 लाख इन द थर्ड ईयर ऑफकोर्स, फोर्थ ईयर ऑल्सो 1 लाख, फिफ्थ ईयर 1 लाख, 6th to 10th ईयर इट इज से 50,000 ईच ईयर, राइट। तो मेरे टोटल बेनिफिट कितने मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 7.5 लाख के। कैन आई से रीजनेबल फ्यूचर बेनिफिट्स? प्रोबेबली यस, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस आता है। वो क्या है कि वाइल ये जो मेरे 5 लाख रुपए वो मैं आज स्पेंड कर रहा हूं, ये 7.5 लाख रुपए तो मुझे ओवर 10 ईयर मिल रहे हैं ना, राइट। तो मेरा स्टैंडर्ड मुझे क्या कहता है कि आप इन सब बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, आप इन सबको डिस्काउंट कीजिए कि अगर ये पैसा आपके पास आज ही आ जाता तो उसकी वर्थ क्या थी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या थी। मैं एज्यूम करके चलता हूं कि मैंने उस कार को 10 साल के लिए इस्तेमाल किया और उसकी प्रेजेंट वैल्यू 4,90,000 है। मैं एक एजम्पशन लेकर चल रहा हूं यहां पर, ठीक है। नाउ कार की कैरिंग अमाउंट कितनी है, 5 लाख रुपए। कार की बिजनेस यूज से क्या एडवर्टेज आती है, 4,90,000 रुपए, ठीक है जी। नाउ हुआ क्या, जब एक कार मैं लेकर के आया और आज मैं सोचता हूं कि अगर मैं इस कार को बेचूं तो मुझे क्या प्राइस मिल जाएगा, लेट से कि इस कार की जो रीसेल वैल्यू है वो 4,50,000 रुपए है। नो टेल मी, ये मेरा बिजनेस यूज से बेनिफिट है, ये मेरा सेल से बेनिफिट है, तो मुझे क्या करना चाहिए एज अ नॉर्मल और एज अ प्रूडेंट पर्सन, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इस कार को अपने बिजनेस यूज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए या मुझे इस कार को बेच देना चाहिए। ऑफ कोर्स मुझे इसको बिजनेस यूज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। तो मेरा स्टैंडर्ड मुझे यह भी बोलता है, जब भी मैं उन फ्यूचर बेनिफिट्स की बात करता हूं मैं उसको बोलता हूं हायर ऑफ वैल्यू इन यूज, दैट इज माई बिजनेस यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। मैंने इसको मार्केट में जितने का भी बेचा, हो सकता है मैंने कुछ कमीशन पे किया हो और इस पर्टिकुलर अमाउंट को मैं अराइव करता हूं हायर ऑफ द वैल्यू इन यूज विच इज बिजनेस यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इन दोनों तरीकों के अंदर मेरे पास ये आइडेंटिटी निकल जाएगी। एक और एग्जाम्पल इसके बारे में लेता हूं, अगर मान लेता हूं कि मैं जो मैं अगर इसको बेचता तो मुझे इसको पैसा मिलता 495,000, तो वैल्यू इन यूज कितनी है मेरी 4,90,000, बाय वे ऑफ सेल मुझे कितना मिलता है 4,95,000। तो मुझे करना क्या चाहिए, बिजनेस यूज के लिए रखना चाहिए कि बेच देना चाहिए, ऑफ कोर्स मुझे बेच देना चाहिए। अगेन द सेम थिंग कम्स इन हायर ऑफ द टू, राइट। इस केस में मान के चलूं तो मेरी जो फ्यूचर बेनिफिट है वो 4,95,000 के हैं, वुड यू एग्री, ऑलराइट। लेकिन मैं इन वैल्यू इस पर्टिकुलर फ्यूचर बेनिफिट को कंपेयर करता हूं कैरिंग अमाउंट से, तो कैरिंग अमाउंट कितना है 5 लाख, बेनिफिट कितने मिलने वाले हैं 4,95,000 के, राइट। इसका मतलब यह है कि अगेंस्ट दोज कैरिंग वैल्यू द फ्यूचर बेनिफिट्स आर लिटिल लेसर, तो वहां पे मेरी इंपेयरमेंट आ जाती है जिसको मैं आज ही रिकॉग्नाइज करूंगा। इसका मतलब जो डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग वैल्यू एंड द फ्यूचर बेनिफिट विच इज एक्चुअली कॉल्ड एज रिकवरेबल अमाउंट, द डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग वैल्यू एंड रिकवरेबल अमाउंट इज कॉल्ड एज इंपेयरमेंट लॉस, ठीक है जी। अगर मेरी कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है तो मेरा इंपेयरमेंट लॉस होगा, लेकिन अगर कहीं मेरी कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है तो रिकवरेबल अमाउंट से कम है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं कहूंगा कि कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं हुआ है। एग्री विद दैट, आज के लिए यही रुकते हैं।
आगे की क्लासिफिकेशन हम जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है हम बाद में करेंगे. थैंक यू वेरी मच.